हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास टेंथ का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो वो सारी प्रोसेस जो लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करें, मतलब कहने का है कि पहले तो ये समझिए लाइफ क्या है, जिंदा रहना किसे कहते हैं। द लाइफ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस प्रोसेस और द एक्टिविटीज नीडेड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये बात आपको समझ में आई कि लिविंग रहना, यानी कि लिविंग होने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना, ग्रोथ करना, रिस्पॉन्ड करना किसी के लिए, नॉन रिवर्सिबल ग्रोथ करना। तो ये लिविंग होने की कैटेगरीज हैं। अब लिविंग होने के साथ हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं ताकि हम लिविंग रह सकें। उनमें है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं के टॉपिक के बारे में है कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म ये क्या होगा। इनमें प्लांट और एनिमल के बारे में एक साथ पढ़ाया जाएगा आपको, यानी आप कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी, जो कि 11th में भी अगर आप बायो के बुक को उठा के देखेंगे तो उसमें दोनों टॉपिक को अलग अलग किया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट की फिजियोलॉजी, मतलब वो कैसे काम करता है उसके बारे में, और एनिमल मतलब एनिमल की फिजियोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी दो डिवीज़न में काम करती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी भी होता है उसमें। तो अभी आप बेसिकली इतना समझिए, एनाटॉमी मतलब किसी चीज़ के अंदर क्या है वो जानना, केवल अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में। मॉर्फोलॉजी मतलब कि वो बाहर से कैसा दिखता है, और फिजियोलॉजी मतलब कि वो काम कैसे करता है। तो ये हो गया। चलिए आज मतलब न्यूट्रिशन के बारे में हम समझेंगे कि जो टर्म न्यूट्रिएंट है वो डिराइव्ड है कि इस बात को लेके कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और बाकी कामों के लिए, मतलब इसको डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे बॉडी पार्ट में, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होगा कि क्यों चाहिए हमको, मतलब क्या वजह है न्यूट्रिशन लेने की। तो ये क्या है यहाँ कि फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म द न्यूट्रिशन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, टू डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज, टू डैमेज रिपेयर, टू रिपेयर डैमेज एंड वॉर्न आउट सेल्स, जो सेल्स पुरानी हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, उन्हें दोबारा बनाना। तो ये बेसिक फंक्शन है न्यूट्रिशन के। टाइप्स, ये अगला टॉपिक है हमारा। तो दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कि ऐसे तरीके का न्यूट्रिशन करेंगे जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना सकता है। अब खुद खाना बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी मम्मी भी खुद खाना बना लेती हैं तो वो भी ऑटोट्रॉफिक है, नहीं। ये बेसिक चीज़ का डिफरेंस है कि जो सिंपल फूड से कॉम्प्लेक्स फूड बनाएंगे उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, और जो हेट्रो होंगे वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि प्लांट ने बेसिक एलिमेंट्स को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस किया और फूड बनाया, अब हम वही चीज़ें खाएंगे, रोटी, चावल, दाल, ये सब हम यूज़ करेंगे। अब उनको ब्रेक कराएंगे, डाइजेशन कराएंगे अपनी बॉडी में, तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमको उसी के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलेगी, यानी रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी मिलेगी उससे हम लिविंग रहेंगे। तो ये हो गया। एनर्जी के साथ साथ उसमें ग्रोथ भी होगी। जैसे हम ग्रोथ करते हैं, भाई एक मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें आप रोज एक एक दाना चावल का डालते जाएंगे तो वो कंटेनर एक दिन तो भरेगा ना। तो इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी भी, एरिस्टोटल ने ऐसा कहा है कि हमारी जो बॉडी है इट इज अ सैक ऑफ फूड या न्यूट्रिशन। तो जो भी स्टोर्ड फूड है वो सब हमारी बॉडी, जो हम अपनी बॉडी देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। यानी जो हमने खाया
वही आज हमारी बॉडी में शो हो रहा है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और समझेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि जो अपने आप से खाना बनाएं, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरीज को मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाऊंगा। पहली कैटेगरी है आपकी फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस, और जो दूसरी कैटेगरी है उसे बोलेंगे केमोसिंथेसिस। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। तो जो ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, और जो ऑर्गेनिज्म केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं उन्हें बोलते हैं केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या मतलब हुआ, लाइट का यूज़ करते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन लाइट का यूज़ ना करते हुए कोई ऑर्गेनिज्म अगर फूड बना लेता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए या कुछ बैक्टीरिया हो गए, जैसे मीथेन वाले बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस, गटर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या जो सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का शायद आपने नाम सुना होगा, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि सल्फर वगैरह के पॉन्ड में पाए जाते हैं और अपना फूड बना सकते हैं उन्हीं मिनरल्स का, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके ये इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको ये बेसिक आइडिया मिल गया ऑटोट्रॉफिक का। इसके बारे में डिटेल में, यानी कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये बीटल आप देखिए इसी लीफ पर डिपेंडेंट है। अब आप जानते हैं कि जो फूड चेन हमारी होती है, ये फूड चेन का पिरामिड है, इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर वन, कंज्यूमर टू, कंज्यूमर थ्री, फिर डिकम्पोजर। तो ये कैसे चालू होंगे जब तक प्रोड्यूसर नहीं होंगे? प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स। तो हेटरोट्रॉफिक के अंदर मतलब कि जो दूसरों से खाना ले वो हेटरो, समझ में आ गया आपको? चलिए, हेटरो के कुछ टाइप होते हैं। पहला टाइप होलोजोइक, दूसरा सेप्रो, तीसरा पैरासाइटिक, चौथा म्यूचुअलिस्टिक। तो बात करेंगे हम होलोजोइक के बारे में नेक्स्ट पेज पे। होलोजोइक का मतलब जो पूरा फूड अपनी बॉडी के अंदर खा ले, अंदर ही डाइजेस्ट करे और उससे न्यूट्रिशन ले। इसमें सभी आते हैं, जैसे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, अमीबा से लेके ह्यूमन तक, वो सब होलोजोइक के ही अंदर आएंगे, क्योंकि वो डाइजेशन कहाँ करते हैं? बॉडी के अंदर करते हैं। और ये भी आप याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल फूड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये बातें आगे लिखी हुई हैं कि इंजेस्टेड मैटर इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इन द बॉडी फाइनली इजेस्ट और बॉडी, मतलब ये सब तो आपको मैं आगे पढ़ाने ही वाला हूँ। तो ये सब इसके बारे में है, जैसे ये इसका एग्जाम्पल है, ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, तो ये आपको पता चला। सेप्रोफाइटिक, वेरी इंटरेस्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये किए फंगस, यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये मैंने एक फंगस है, या आप इसको मशरूम जो हम लोग बुलाते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये क्या करेगा, मैं आपको यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा। जैसे ये एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पर ये जो है ऐसे आपको मैंने फंगस शो किया हुआ है, तो आपको ये अंदर की चीज़ नहीं दिख रही है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंदर अंदर फैला हुआ है इसमें, ऐसे इसके सरफेस में मतलब अंदर नहीं पर सरफेस में फैला हुआ है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफी, HYPHAE, और ये हाइफी जो है पूरी बॉडी में से एक लिक्विड सेक्रीट होता है, इसकी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं बॉडी से बाहर की तरफ को, और वो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये लकड़ी धीरे धीरे क्या होने लगती है, यहाँ पे डाइजेस्ट होने लगती है, यहाँ पे ऐसे 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 गायब होने लगेगी, और जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एब्जॉर्बटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर, एब्जॉर्ब करते हैं ये फूड को। डाइजेस्ट, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ इस बात को, हैश लगा रहा हूँ कि ये डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ मैं नोटिस कराऊँगा कि द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज फर्स्ट डिजॉल्व्ड बाय सेक्रेटिंग सर्टेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम एंड देन सॉल्युबल मटीरियल इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बॉडी सरफेस इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफ्स।
तो आपको ये पता चल गया कि सेप्रोफाइटिक किसको कहते हैं, सेप्रोटॉप्स किसको कहते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या होती है ये आपको पता चल गई। एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी के अंदर से एक डाइजेस्टिव जूस निकालेंगे जो कि बाहर डाइजेस्ट करेगा, फिर अंदर लेंगे उसको, ठीक है। आगे बात करेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, बात करेंगे कि जो पैरासाइटिक प्लांट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बॉडी के अंदर रहने वाले इंडो पैरासाइट्स और एक बॉडी के बाहर रहने वाले एक्टो पैरासाइट। तो ये तो एक्टो पैरासाइट हैं और ये इंडो पैरासाइट है। ये बॉडी के अंदर से फूड डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करेगा, ये होस्ट के बॉडी में से निकालते हैं, और ख़ास बात ये है कि ये नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को। ये वाले नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अगर आप ये कहेंगे कि होलोजोइक वाले, तो ये तो फूड चैन का तो सिस्टम है ही है कि एक दूसरे को हम खाएंगे, तो वो तो कम्प्लीटली मार ही देंगे। होलोजोइक में मतलब पूरी तरीके से आप उसको मार ही देंगे, पर इस पैरासाइटिक में आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मारेगा नहीं होस्ट को पूरी तरह से, धीरे धीरे उसके फूड को एब्जॉर्ब करेगा। तो पैरासाइटिक ये होते हैं। ये एक डायग्राम है टेप वर्म का, ये दूसरा डायग्राम, ये जिसको मैं एरो बना रहा हूँ, और ये वाले आप जानते हैं मॉस्किटो टिक्स हैं, ये बॉडी के बाहर से ब्लड निकालते हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है नॉर्मल वालों से, क्योंकि ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेते हैं इसलिए इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसमें दोनों एक दूसरे से मिलजुल के लें। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है लाइकेन, या इनको हम लेचेंस भी कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया है। इसमें क्या होते हैं कि दो मेंबर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया के प्लांट्स के साथ के एग्जाम्पल हैं, कुछ एनिमल्स के दूसरे एनिमल्स के साथ के एग्जाम्पल हैं। जैसे बर्ड्स, आप याद रखिएगा कि बर्ड्स क्या करती हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके टिक्स वगैरह खाती हैं, तो वो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, टिक्स उनको खाना मिल रहा है, और गाय या भैंस के बॉडी में जो टिक्स लगे हुए हैं वो उसको निकाल के ले जाती हैं, तो उनको भी फ़ायदा मिल रहा है कि उन्हें जो बॉडी लॉस हो रहा है या जो ब्लड लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि इसके बारे में बात कर लेता हूँ, लिचेंस के बारे में। इसमें दो पार्टनर हैं, एक है एल्गल पार्टनर जिसको फाइकोबायोंट कहेंगे, और एक है फंगल पार्टनर जिसको माइकोबायोंट कहेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए क्या देते हैं, एल्गल पार्टनर जो एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, वो फूड बनाता है लाइट की प्रेजेंस में। फंगल पार्टनर नीचे से मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, जैसे सपोज दैट मैंने ये नीचे वाला मेम्बर बना लिया, ये फंगल पार्टनर हो गया, नीचे पाया जाएगा, और एल्गल पार्टनर इसके ऊपर पाया जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है, और यही सेम इसका डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है। तो कुछ इस ढंग से ये म्यूचुअलिस्टिक इस वाले केस में हो रहा है, और भी कई केसेस में आपने देखा होगा। तो यहाँ तक था इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का, लाइव प्रोसेस का। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम वो वीडियो देखेंगे। ओके, टॉपिक फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस का ये टॉपिक है या चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें ये बताया जाएगा कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट्स किन चीज़ों का इस्तेमाल करके फूड बनाते हैं, और दूसरों के लिए वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फूड चेन जो भी चलती है तो वो किसी से तो फूड स्टार्ट होगा ना, तो प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे फूड सिस्टम स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने आपको दिया, तो नंबर वन हो गया। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, समरी ऑफ कंक्लूजन। तो ये इतने टॉपिक्स आएंगे इस टॉपिक के अंदर, देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस में ये आएगा कि फोटो मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लाइट, सिंथेसिस मतलब अ होल मेड ऑफ पार्ट्स पुट टुगेदर, कुछ चीज़ें साथ में बनाना लाइट की मदद से, ये ग्रीक वर्ड से आया है। डेफिनेशन है इसकी, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस वेयर बाय प्लांट एल्गी सम बैक्टीरिया यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कहते हैं ग्लूकोज, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 एंड वाटर। व्हाई इज फोटोसिंथेसिस सो इम्पॉर्टेंट? एज यू नो दैट कि मैंने जैसा पहले डिस्कस किया, तो उनको मैंने पॉइंट्स वाइज भी लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स देखिए यहाँ पे ध्यान से। पहला पॉइंट है कि
प्रोवाइड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, तो जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो वन एंड ओनली एक प्रोसेस है पूरे इस अर्थ में जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देती है। आप किसी और मेथड से, आप देखिएगा कि नेचर में किसी और मेथड से ऑक्सीजन हमको नहीं मिलती है। दूसरा, कंज्यूम मच ऑफ द CO2, जो CO2 जो एटमॉस्फेयर में है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि O2 और CO2 का जो बैलेंस है वो भी फोटोसिंथेसिस रखती है। थर्ड पॉइंट फूड, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे। फोर्थ पॉइंट है एनर्जी, तो ये हम जानते हैं कि जब हमें कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, इवन प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, ऑल सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वो कहाँ से आएगी? ब्रेकडाउन ऑफ फूड से आएगी। तो ये हो गया एनर्जी। फाइबर्स एंड मटेरियल्स, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, मटेरियल लकड़ी हो गई, ये सब जो सामान है वो सब कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है। फ्यूल, फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब चीज़ें भी हमें प्लांट के ही ये जो बहुत सालों पहले, बहुत हजारों लाखों साल पहले प्लांट नीचे दब गए, और दबने के बाद उनके जो रिमेनिंग है, जो हम अभी बाहर निकालते हैं, वो सब कहलाते हैं फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में आएगा। रिएक्शंस देखिए ध्यान से, इसकी रिएक्शन है CO2 और H2O को जब बाइंड कराएंगे तो लाइट की प्रेजेंस में पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल और कुछ एंजाइम्स होंगे जो मिलकर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O बनाएंगे। तो ये प्रोसेस होगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे कि कोई सिंपल एलिमेंट है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ A और B, अगर ये दोनों मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे ए बी बन गया, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स वन, तो इसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब आगे की बात है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में दो पॉइंट्स आते हैं, पहला पॉइंट होता है रिडक्शन और दूसरा पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखिए ये कार्बन डाई मॉलिक्यूल यहाँ से जब यहाँ पे आता है तो आप देखिए कि यहाँ पर सी है, यहाँ ओ है, यहाँ सी है, यहाँ पे ओ है, बीच में क्या आ गया है? एच आ गया है। तो इसका मतलब एच प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिडक्शन। अब यहाँ एक और चीज़ देखिए आपकी, जो दूसरा मॉलिक्यूल ये है H2O, उसको देखिएगा मैं ये कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ देखिए ओ बाहर निकल रहा है इससे, यानी एच इसका कहीं और चला गया, यानी इसमें से H माइनस हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसका। तो ये आपको दिख गया। अब इसके बाद थर्ड प्रोसेस बोल रहा है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें लाइट या कोई एनर्जी का यूज इस्तेमाल होता है, तो देखिए यहाँ पे लाइट एनर्जी इस्तेमाल में आ रही है, तो इस प्रकार से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक एसेंशियल और दूसरे सपोर्टिव। एसेंशियल में जो मेन मटेरियल है वो CO2 और H2O है, और सपोर्टिव में जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल है। तो CO2 और H2O जो मॉलिक, ये जो कंपाउंड है, ये कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, ये इनके बारे में आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो आप ये देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचता हूँ। चलिए मैं पहले लाइट से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, सपोर्टिव मटेरियल से। लाइट के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि लाइट मूव्स इन द वेव्स इन एनर्जी यूनिट कॉल्ड फोटॉन्स। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी लाइट किसी सोर्स से बाहर को स्प्रेड होती है तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं? फोटॉन्स। आप सभी को ये बात समझनी है। आगे चल के ऑप्टिक्स नाम का 11th में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसमें ये सब और डिटेल में आपको मिलेगा कि लाइट की जो वेवलेंथ होती हैं वो सब आपको वहाँ समझाई जाएंगी, कई सारी बातें वहाँ समझाई जाएंगी, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप फोटॉन्स के बारे में समझ लीजिए। एनर्जी ऑफ फोटॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये भी पॉइंट आपको फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, पर बायोलॉजी में मैं ये बता रहा हूँ इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, ज़्यादा तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा इसको। विजिबल लाइट जो है, जो कि अल्ट्रा वायलेट और ER के बीच में होती है, जो कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ,
कि वो कैसे हमारे लिए, जो वाइट लाइट आती है इसको विजिबल लाइट भी कहते हैं, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे आप ये नोटिस करिए कि जो नीचे यहाँ पर जो मैं ये एरो बना रहा हूँ, ये देखिए वायलेट के पास और ये रेड के पास, तो इन दोनों के बीच की वेवलेंथ लिखिए, देखिएगा 400 टू 700 लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए नीचे सबसे नीचे जहाँ पे मैं येलो कलर का लाइन बना रहा हूँ। तो ये जो है विबग्योर है, 400 के पहले यूवी आता है यानी अल्ट्रा वायलेट, और जो 700 के बाद आता है वो आईआर आता है इंफ्रा रेड। तो ये दोनों वेवलेंथ जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, हमारे लिए जो वेवलेंथ जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है 400 से 700 के बीच में फोटोसिंथेसिस के। तो इसके बारे में आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं, हाँ देखिएगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। लाइट इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट, तो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो पिगमेंट्स के द्वारा होती है, जो कलर पिगमेंट्स होते हैं उनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। आप ये देखिए कि इस दुनिया में कोई भी, एक अलग बात बता रहा हूँ मैं, इससे बायो से इसका रिलेशन नहीं है, पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं वो क्या होती हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सभी को ये बात पता रहनी चाहिए कि अगर हमें कोई भी चीज़ दिखती है सो इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कलर पिगमेंट्स क्या काम करते हैं कि उन्हीं लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कलर पिगमेंट है क्या, एक केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड, सब कुछ केमिकल से ही बना हुआ है, दुनिया की हर एक चीज़ केमिकल से बनी हुई है, और वो लाइट एब्जॉर्ब करती है, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, और उसी रिफ्लेक्शन को हम ये देखते हैं कि वो कलर दिखता है। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूँ, शायद आप अभी इतने यंग हैं कि इस बात को समझ ना पाएं, टेंथ में इतना डिटेल में नहीं आएगा ये। जैसे कि मैंने कोई भी लाइट, 7 कलर की लाइट किसी भी सरफेस पे स्प्रेड देखते हैं कि जो पड़ती है, पर हमको कलर एक ही दिखता है उसमें। सपोज हमें कोई रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, केवल रेड लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई और वो रिफ्लेक्ट हो गई। थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, इसके जो अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर उनके, तो उनके शेल में जो एनर्जी जो भरना या स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है लाइट एनर्जी, तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो एनर्जी को स्टोर करता है। उसके बाद जब वो ऑर्बिट्स या जो उसके इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि उतनी लिमिट होती है उनकी, फिर उसके बाद वो बाहर निकलना चालू हो जाते हैं, एमिट करना चालू कर देते हैं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा अब लाइट का। तो बेसिक आइडिया इतना ही है आपके लिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको ही बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और दिखाने के लिए किया गया था कि किस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो आप नोटिस करिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का है वो 400 पे सबसे ज़्यादा है और 700 पे सबसे ज़्यादा है, बाकी जगह पे न्यूट्रल जा रहा है वो, यानी इस दो पीक पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ये कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम, जब देखेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि रेड ऑरेंज येलो ये सब जो होते हैं, इनका भी काम लाइट को एब्जॉर्ब करना ही होता है, और जो भी एनर्जी ये स्टोर करते हैं एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को, वो क्लोरोफिल को ही ट्रांसफ़र कर देंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता चल गया। आगे आते हैं, क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफिल ये सेकंड जो है, पहला मैंने लाइट बताया, सेकंड है क्लोरोफिल जो कि सपोर्टिव मटेरियल में आएगा। इज़ अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट डिराइव फोटोसिंथेसिस। एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब अ डिफरेंट वेवलेंथ, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, पर हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल को समझने के पहले उसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि वो कहाँ पाया जाता है, उसका डायग्राम दिखाएंगे आपको। वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, तो ये एक डायग्राम है लीफ का, सभी ग्रीन पार्ट को हम वैसे तो नहीं समझाएंगे पर लीफ को जरूर समझाएंगे। आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके ऊपर भी एक लेयर होती है वैक्सी होती है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद पैलिसेड मीसोफिल और स्पॉन्जी मीसोफिल, दो प्रकार के मीसोफिल होते हैं, दोनों के दोनों मीसोफिल सेल्स होते हैं यानी कि लीफ के सेल्स होते हैं, और इनके बारे में मैं आपको और दिखाऊंगा।
इनके बीच में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, इसको जाइलम व फ्लोएम कहते हैं। वेन्स पाई जाती हैं, उसके अंदर स्टोमा पाया जाता है। स्टोमा मतलब गार्ड सेल्स, जो आपको पता ही है, जहाँ से देखिए नीचे यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है यहाँ से, सनलाइट यहाँ से देखिए ऊपर पड़ रही है इसमें। तो ये है, ये एक प्लांट सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। हम इसको ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, जो कि एक फुटबॉल शेप का है, डबल मेम्ब्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, स्ट्रोमा इसके अंदर है, थैलाकोइड है, ग्राना है, ल्यूमेन है। ये कहाँ कहाँ पे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्ट्रोमा ये पूरी बाहर की जगह है, ये जो इसका मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स भी कहेंगे। और जो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसको मैं थैलाकोइड बुला रहा हूँ। इन्हीं थैलाकोइड के अंदर, यानी इन्हीं थैलाकोइड की सरफेस में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये थैलाकोइड की सरफेस पे। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लोरोफिल की लोकेशन आ गई समझ में, थैलाकोइड पता चल गया। थैलाकोइड के ग्रुप को ग्रानम कहते हैं, ग्रानम के भी ग्रुप को ग्राना कहते हैं। और बाहर की जो जगह है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो आपको दो पॉइंट क्लियर हो गए, आपको लाइट वाली बात समझ में आ गई, आपको क्लोरोफिल के बारे में समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं कि ल्यूमेन है, थैलाकोइड है, स्ट्रोमा है, इनर आउटर मेम्ब्रेन, ग्रानम वगैरह, वो सब कुछ है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये स्टोमाटा दिख रहा है, लेकिन मैं इससे पहले वो जो दो पॉइंट लिखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाले, अभी शायद नहीं आ पा रहे यहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटर जो है रूट से अब्जॉर्ब होता है और ऊपर तक जाता है, ट्रांसपिरेशन से ऊपर की ओर पुल होता है, वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। पर आप इतना समझिए, वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। सेकेंड, कार्बन डाई कहाँ से आती है, वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जो कि आती है स्टोमाटा से। तो अब स्टोमाटा एक गेट के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें गार्ड सेल्स पाई जाती हैं और वॉट और जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर और ऑक्सीजन को बाहर करने में हेल्प करता है। इसमें ओपन और क्लोज की एक मैकेनिज्म होती है। स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ये एक अलग टॉपिक है, ये पर आता है, ज़रूर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, सपोज़ ये पहला, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, क्लोज स्टोमाटा, इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। श्रंकेन स्टोमाटा लिखा हुआ है या क्लोज लिखा हुआ है, इसमें जो ग्रीन कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं इसमें, इनके अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस, जैसे लाइट पड़ती है स्टार्ट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट में। और जब लाइट पड़ती है तो उनमें जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इस गार्ड सेल्स के अंदर का जो भी ये वाटर वगैरह है, ये गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर है, कार्बन डाई जो रिमेनिंग बची होगी रेस्पिरेशन से जो निकलती है रात वाली, उसको ये यूज़ कर लेगा। तो इसका वाटर क्या हो जाएगा, कम। अब जब वाटर कम हो जाएगा तो इसकी जो नेबर सेल्स होती हैं, देखिए मैं बगल में बना रहा हूँ इसमें, नेबर सेल्स, इनको एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं। इन एपिडर्मल सेल्स से वाटर इनके अंदर मूव करेगा। अब वाटर मूव करेगा तो पहले से थोड़ा ज़्यादा वाटर अंदर मूव करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ गया है। पहले शुगर नहीं थी, अभी शुगर है। तो ड्यू टू शुगर इन्हें पहले से ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो गया है। तो उसकी वजह से ये स्वेलन हो जाते हैं। अब स्वेलन होते हैं तो ये खुल क्यों जाते हैं, उसकी मैकेनिज्म ये है कि आप देखिएगा कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर सेल वॉल, वो ज़्यादा थिक होती है आउटर सेल वॉल के कंपेयर में। तो जो प्रेशर अंदर की वॉल में लगना चाहिए वो बाहर की वॉल की तरफ एक्सपेल हो जाता है, इस तरफ को। तो ये इसको रिवर्ट करके बाहर की तरफ को खोल देता है और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो टर्जिड या जो एक टर्गर फोर्स होता है वाटर का इसके अंदर, उसकी मदद से स्टोमाटा ओपन होता है। तो कोई बोलेगा स्टोमाटा कैसे होता है, ड्यू टू टर्गर फोर्स ऑफ द वाटर स्टोमाटा गेट ओपन। एंड क्लोज कैसे होता है, जैसे लाइट पड़ना बंद हो जाएगी, जो लाइट पड़ने से ही चालू हुआ था कहानी, वो लाइट पड़ने से ही खत्म, लाइट जाने से ही खत्म हो जाएगी। तो शाम हो जाएगी, लाइट पड़ना बंद हो गई, फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गई उसके अंदर, ग्लूकोज बनना बंद हो गया, वाटर का मूवमेंट बंद हो गया, तो टर्गर जो फोर्स था वो कम हो गया, अब वो अपना बंद हो जाएगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड के ऊपर, ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यही मेन पॉइंट है और यही आपको स्कूल में लिख के आने हैं। इनको अगर कभी भी पूछा जाए तो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी,
एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट, तो ये मैं आपको एक एक करके इसको समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस है, एक डायग्राम है थैलाकोइड में कैसे हो रहा है, वही जो तीन पॉइंट्स वहाँ समझाए गए मैंने अभी जो पीछे दिखाए वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखिए नंबर वन पॉइंट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, नंबर टू पॉइंट वाटर एब्जॉर्ब होके थैलाकोइड के अंदर जाके ब्रेक हो जाए, ब्रेक होके क्या निकल रहा है ऑक्सीजन देखिए निकल गई बाहर, और अंदर क्या बचेगा हाइड्रोजन बचेगा, उसका प्रोटॉन बचेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गए, वो जो दो पॉइंट बताए गए थे वहाँ पे, पहला पॉइंट था लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होना, दूसरा पॉइंट था वाटर का ब्रेक होना। तो वाटर ब्रेक होता है कि इसमें एच में और ओ में, वो हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, गुड। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जो रिडक्शन यहाँ जो ये थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट, ये कहाँ पर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रोमा है जो मैंने आपको याद करिए डायग्राम में आपको बताया था, CO2 जो अंदर आती है उसके साथ क्या होगा, तो आप ये देखिएगा यहां पर देखिए दो कैरियर मॉलिक्यूल हैं NADP और ADP। तो वैसे तो NADP ज्यादा कैरियर मॉलिक्यूल है, यही मेन कैरियर मॉलिक्यूल है जो H को रिसीव करके देखिए बाहर लेके आ रहा है, NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये NADP का फुल फॉर्म है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होकर बाहर आ गया। इधर देखिए आप एडीपी आता है इसके अंदर और एटीपी बनता है, ये एटीपी का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी मॉलिक्यूल बाकियों के लिए भी है, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में ही एनर्जी का काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली एनर्जी नहीं है जो हमें या प्लांट को चलने के लिए एनर्जी सोर्स का काम दे रहा है, नहीं, ये सिर्फ एनर्जी है इसके लिए सीमित है ये, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये केल्विन साइकिल में एनर्जी देने का काम करता है। केल्विन साइकिल क्या होती है, यही रिडक्शन ऑफ CO2 जो वाली बात चल रही है ये केल्विन साइकिल को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये H जो है इसके साथ में ऐड हो जाता है, ऊपर देखिए C है नीचे O है, तो यहाँ पर क्या आएगा CHO, H इसमें ऐड हो गया जाके, तो C6H12O6, तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आ गया आपको ये बात, बहुत ही आसान है, ओवरव्यू है पूरा का पूरा, अगर आपने इसको याद कर लिया, इस डायग्राम को याद कर लिया तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल एक ही वर्ड है एनएडीपी और एडीपी नया वर्ड है आपके लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। एक बात और मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि इसको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी बुलाते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये जो लाइट और डार्क की बात चल रही है यहाँ पे, तो ऊपर के जो तीन पॉइंट हैं इनको बुलाएंगे हम लाइट रिएक्शन, और जो नीचे के एक पॉइंट है इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। अब देखना यहां पे, अगर मैं इतना यहां से डिवाइड कर दूं तो इधर का पूरा है लाइट रिएक्शन और इधर का देखो राइट साइड का ये है डार्क रिएक्शन। अब लाइट और डार्क का क्या मतलब होता है, लाइट में लाइट यूज में आती है, डार्क में लाइट यूज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में होती है, नहीं ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन दिन में ही होती है रात में नहीं होती है। तो क्या है इसका मतलब, फिर उसको लाइट का डायरेक्ट सोर्स नहीं मिल रहा है, इतना आप याद रखना, अगर कभी भी पूछा जाए डार्क रिएक्शन क्या है तो आप बोलना डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जो स्ट्रोमा में होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करके ग्लूकोज बनाया जाता है और उसी का दूसरा नाम केल्विन साइकिल है, बस आपको इतना कहना है। अगर कोई पूछेगा डार्क रिएक्शन कब होती है, दिन में होती है रात में होती है, तो आप वहां उसको जरूर बताना कि डार्क रिएक्शन दिन में ही होती है रात में नहीं होती है। तो ये समझाने के बाद आपको अगला मैं बताता हूँ लाइट रिएक्शन के बारे में, मैंने आपको ये समझा दिया वही बातें मैं फिर से, देखिए डार्क रिएक्शन के बारे में भी है एडीपी और ये सब लाइट रिएक्शन ही है, ये सब एक सिस्टम है, ये थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर उठ के बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो लाइट रिएक्शन है इवेंट्स होती हैं इसमें PS2 से PS1, देखिए वाटर ऐसे ब्रेक होता है आप नोटिस करिएगा, ये देखिए नीचे दिखा रहा हूँ मैं, H2O गया O2 और 4H प्रोटॉन निकल रहा है, ये प्रोटॉन अभी यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ATPS में जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बात करी जा रही है यहाँ पे, फिर ये ATP बनेगा फाइनली, देखो ये ATP बन रहा है यहाँ पे और ये बाहर निकल रहा है। अब बोलोगे सर PS1 और PS2 क्या है, ये केमिकल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, दोनों की दोनों लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देखो ये दोनों दोनों लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, पर जो वाटर ब्रेक होता है वो PS2 में ब्रेक होता है,
आप इतना याद रखिएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल, देखिए यहाँ तो कुछ सिंपल ही दिखाया गया है, तो ये एनसीईआरटी लेवल पे तो इतना काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। पर आप जब अगर हाई लेवल पे जाना चाहेंगे तो आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा कि हायर लेवल पे ये डायग्राम पूछा जाएगा कि लाइट रिएक्शन क्या है। तो आप बताना यहाँ तक ये पूरा लाइट रिएक्शन ही है, ये पूरा लाइट रिएक्शन है। उसके स्टेप होते हैं पी एस टू पी एस वन, फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम वन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोटोसिस्टम टू और वन लाइट रिएक्शन के ही पार्ट हैं। उसमें क्या होता है कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है, लाइट अब्जॉर्ब होती है और इलेक्ट्रॉन एटीपी बनता है। तो ये देखो हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एनएडीपीएच बनता है, एच यहाँ से चला गया इसके पास और उसने एनएडीपीएच बना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, मैंने बता दिया आपको कि ये कार्बन डाई का इस्तेमाल करेगी। केल्विन साइकिल ये मैंने आपको बता दिया। सी फोर प्लांट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, अच्छा मैं सी थ्री के बारे में समझा रहा था, जो केल्विन साइकिल होती है वो डाइकॉट में होती है, उसको सी थ्री साइकिल बोलते हैं। जो सी फोर प्लांट होते हैं मोनोकॉट होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज बनाते हैं। आप नोटिस करना शुगर केन, कॉर्न, राइस, ये सब में डाइकॉट के कंपेयर में ज़्यादा शुगर पाई जाती है, क्योंकि वो सी फोर प्लांट्स होते हैं और ज़्यादा लाइट को एफिशिएंसी 7% से ज़्यादा होती है, लिखा हुआ देखिए, ज़्यादा पाई जाती है इनमें। तो ये वैसे पूछा नहीं जाएगा आपके स्कूल में, बस सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। डेजर्ट प्लांट्स के लिए खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें कैम पाथवे पाया जाता है, कैम क्रैशुलेशन एम्फीबोलिक मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जो कि रात के समय पे अपने स्टोमाटा ओपन करते हैं और कार्बन डाई को स्टोर कर लेते हैं और दिन में इसको यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा, मतलब इसमें मैंने एनसीईआरटी लेवल भी कवर कर दिया आपको और थोड़ा हायर लेवल भी कवर किया मैंने आपको इसमें। तो ये वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि कैसे फोटोसिंथेसिस होती है और वो कैसे प्लांट्स में। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा कि जो ग्लूकोज बनता है प्लांट के अंदर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, और ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है बेटा। थैंक यू, थैंक यू।